अलीशान फैमिली ढाबा फेमस है अपने लजीज पकवान और वैरायटी ऑफ फूड के लिए, जैसे स्पेशल मटन हंडी, पेशावरी ग्रेवी, वाइट कस्तूरी, ज़ाफ़रान कबाब, अजवाइन कबाब और जामुनी कबाब के साथ स्पेशल अलीशान खब्सा, फैमिली रूम दस्तरखान, इवेंट एंड फंक्शन एंड बर्थडे सेलिब्रेशन विथ नाइस एम्बियंस, फ्री होम डिलीवरी, इजी कनेक्टिविटी के साथ बाईपास कालशेखर के सामने, अफोर्डेबल प्राइसिंग, वाइड स्पेस ताकि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। स्वाद का किंग अलीशान फैमिली ढाबा। कि आपको भी नजीम मुल्ला के तरफ से ऑफर मिला था, जो अवार्ड साहब के मुमरा के कार्यकर्ता हैं वो डर गए हैं, अवार्ड साहब को धमकी आई तो एकदम खामोश सब लोग, कि सब नगर सेवक परेशान है कि वो जाएं तो जाएं कहां जाएं। बाप की चप्पल बेटे के पैर में आने से बेटा बाप नहीं बनता। राजन कीने का कहना है कि सिंबल जाने से झटका लगा है, ग्राम पंचायत चुनाव जीत कर बताएं अब तो हमको सिंबल की अब जरूरत नहीं है। शरद चंद्र जी पवार साहब हमारे पास है, वही हमारा सिंबल है, वही हमारे चिन्ह है। उनके साथ चलते थे और उनके बदौलत कहा जा रहा है कि वोट मिलते थे, वो लोग छोड़कर चले। जनता आने वाले वक्त में बताएगी कि वोट किसको ज्यादा मिलता। 2009 में सिर्फ 15 दिन पहले आए थे, सिट्टी गुल कर दिए थे, वो अभी तक हार को पचा नहीं पा रहे। अवार्ड साहब की ताकत नहीं है, कुछ बात होगी तो हमारे फेवर में भी रिजल्ट आ सकता था। हमने कलवा मुमरा के लोगों के दिलों में जगह बना ली, डबल डोल की दे, गद्दारी उनके खून में थी, वो चले गए। गद्दार लोग निकल जाने से क्या हो रहा है, जो न्यू जनरेशन ना खुल के सामने आ रही, ये इनके हाथों से हेराफेरी हो रही है। हमारा वाई जंक्शन का जो कब्रस्तान है, बोले 90 दिनों में लोगों को फिर से मिलेगा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा की राजनीति में विधायक जितेंद्र आभाड और मुमरा शहर के राजन कीने, और ऐसे में अब नजीब मुल्ला की जो है चर्चाएं काफ़ी तेज़ है, लेकिन चुनाव अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में इसी बीच एनसीपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था घड़ी, वो अजीत पवार गुट को मिल गया, लेकिन विधायक जितेंद्र आभाड अब इनको लेकर चर्चाएँ तेज है। बबलू भाई क्या बताएंगे आप, जिस तरह से अचानक चुनाव आयोग की तरफ से फैसला आया और घड़ी जो है वो अजीत पवार गुट को मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। नहीं तो हमको पहले से ही पता था, क्योंकि जब अजीत दादा जब बीजेपी को जाके समर्थन दिए तो मैच तो फिक्स थी। उनको भी कुछ प्रॉमिस किए गए है, क्योंकि ये जब बोल रहे थे कि एकनाथ शिंदे साहब जब राष्ट्रवादी से सरकार से फूट के जब अलग हुए तो बोले थे कि हमको निधि नहीं मिली, और आरोप किस पे लगाया था, अजीत दादा पवार साहब पे, और वही अजीत दादा पवार साहब को बाद में अपने ही पार्टी में लेके सरकार में लेके फिर सरकार बना। इनका झूठ लोगों के सामने आया तो यही था कि जब उनको प्रॉमिस किया गया था अब कुछ भी हो जाए क्या तुमको चिन्ह मिलेगा, मगर एक ऐसा कानूनी प्रक्रिया थी, चुनाव आयोग में हम गए, चुनाव आयोग में हम लड़े, क्योंकि हमारा राष्ट्रवादी का रेवोल्यूशन भी थाने रेवोल्यूशन में जो रहता है, हमारा गैजेट जो रहता है रेवोल्यूशन भी, वो भी चुनाव आयोग को सबमिट था कि हमारी पार्टी की प्रक्रिया है कि जिसके शरद चंद्र जी पवार साहब ये हमारे अध्यक्ष हैं और हमारी जितनी कार्यकारिणी है उसका पूरा रेवोल्यूशन सरकार में चुनाव आयोग को सबमिट था, लड़ी गई, मगर जो था होना था हमको एक्सपेक्टेशन यही था, मगर लड़ना काम था हमको भी, जो चुनाव रिजर्व जब चुनाव आयोग पे भरोसा था क्या इंशाल्लाह कुछ बात होगी तो हमारे फेवर में भी रिजल्ट आ सकता था, मगर जो फैसला आया तो आपके सामने है, मगर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने पार्टी बनाया वो शरद चंद्र जी पवार साहब हमारे पास है, वही हमारा सिंबल है, वही हमारे चिन्ह है, जिसने पार्टी बनाया वही को उसको पार्टी उससे हाथ से पार्टी निकाल के पार्टी को दूसरे के हाथ में दिया गया, ये कुछ कर सकता है कौन कर सकता है। देखो आज ही कुछ ही आपको कि चुनाव अगर होता है, ऐसे में भी चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि विधायक जितेंद्र आभाड को जो है चुनाव में नुकसान हो सकता है, कलवा मुमरा में क्या जो है वो जीत पाएंगे, ऐसा सवाल उठ रहा है। नहीं नहीं ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा, और मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता देता हूँ कि हमको सिंबल की अब ज़रूरत नहीं है, कि हमारे पास सिंबल जो है वो शरद चंद्र जी पवार साहब है, और हमने कलवा मुमरा के लोगों के दिलों में जगह बना ली है, लोगों का काम किया है,
आवाम भी जानती है कि 2009, 2014, 2019 की जो हमारी मार्जिन, देखो काम नहीं करोगे तो मार्जिन आपकी घटेगी, नगर सेवक आपके घटेंगे, मगर लोगों ने काम के बाद ही लोगर इतने सारे नगर सेवक चुन के आए, फिर आपकी मार्जिन जो 17,000 थी, 50,000, 80,000 जो बड़ी है, इसका मतलब यही है कि लोगों को अवार्ड साहब ने काम करके लोगों का दिल जीता है। तो हमको सिंबल की जरूरत नहीं है, जो भी सिंबल है इंशाल्लाह उस सिंबल पे हम लड़ेंगे, मगर हमारा चेहरा ये हमारी पहचान है, उसका नाम है शरद चंद्र जी पवार। और अवार्ड साहब आने वाले इलेक्शन में ताकत से लड़ेंगे और अच्छी जी लास्ट टाइम की जो मार्जिन थी उससे भी अच्छी मार्जिन इंशाल्लाह जीतेंगे। भाई साहब ने तो आज इंटरव्यू में कहा कि जितेंद्र अवार्ड के पास जो अच्छे लोग थे, जो चुनाव में उनके लिए काम करते थे, वो लोग जो है वो छोड़कर चले गए, अब उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में चुनाव जीतना कितना कठिन होगा आपके लिए अगर वो नहीं है आप लोगों के साथ? देखो, आपको ऐसा लगता है कि पार्टी में जो हमारे साथ ही पार्टी के लोग आपके ही पार्टी के हैं ना भाई साहब? जी, तो वो खुद कह रहे हैं कि जो लोग उनके लिए काम करते थे जितेंद्र अवार्ड के लिए वही लोग छोड़कर चले गए जिनके बदौलत वोट मिलता था ज़्यादा। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूँ, और आज जो लोग हैं आज ये भी कहा कि अब जो लोग हैं वो उनकी जो बनाई हुई सेना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि देखो लोगों, देखो ये नया जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वक्त के साथ में हालात बदलते हैं। तो आज का जनरेशन अवार्ड साहब से इंस्पायर होके उनसे जुड़ रहा है तो अच्छी बात है ना, नुकसान तो नहीं है। आज का जनरेशन 19 साल का हो गया, 18 साल का वोट डालने का उनको हक आ गया, उनका वोट भी हमको कीमती है ना, हमको एक एक वक्त कीमती है, वो जो हमारे साथ में नौजवान जुड़ रहे हैं उस अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो लोग थे अच्छे, जो उनके साथ चलते थे और उनके बदौलत कहा जा रहा है कि वोट मिलते थे, ये भाई साहब का कहना है, वो लोग छोड़कर चले गए? ऐसा नहीं है कि वोट देखो देना, वोट कौन देती है? जनता देती है, जनता आने वाले वक्त में बताएगी कि वोट किसको ज़्यादा मिलता है। जनता भी ऐसे वोट नहीं दे देती ना, जनता को भी लोग जागते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। देखो आपको बता दूं कि 2009 में ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, 2009 में आप लोग भी गए थे ना, घर घर समझाए थे, बोले थे ना, आजकल तो इजी हो गया समझाने वाले लोग, बताया जा रहा है कि चले गए। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म इतना इजीली हो गया है। देखो राजीव गांधी की जो यात्रा चल रही है इसको वो छोड़, ठीक है ठीक 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 सुनिए, वो राहुल गांधी की जो राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है वो अलग है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोग जो चले गए वो कौन लोग थे जो चले गए? पार्टी के दो भाग आपके पार्टी के? नहीं नहीं, यो कह रहे हैं कि वो पार्टी में भी नहीं गए, इनसे दूर हो गए हैं अभी। ऐसा नहीं, अब देखो अब जब इलेक्शन लगेगा ना इस्लामुद्दीन भाई, तो आपको पता चलेगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ में नहीं है। अभी कोई कोई अपने काम से मसरूफ है, किधर किधर कुछ है, क्या है, कोई बात नहीं, मगर पार्टी के दो भाग हुए, कोई भाग कोई इधर चले गया, जो उनकी डबल डोल की थे, गद्दारी उनके खून में थी, वो चले गए। जो हमारे पास है, नहीं दिख रहे, वो है हमारे पास, वो आने वाले इलेक्शन में सब दिखेंगे इंशाल्लाह। मगर ऐसा कोई नहीं है, जिसको रहना है वो हमारे पास ही है, अवार्ड साहब के साथ भी है, और आने वाले इलेक्शन में अवार्ड साहब के साथ में ताकत से लड़के अच्छी मार्जिन से हमारे डॉक्टर राजन कीने का कहना है कि संभल जाने से झटका लगा है, ग्राम पंचायत चुनाव जीत कर बताएं अब। देखो बाप की चप्पल बेटे के पैर में आने से बेटा बाप नहीं बनता। 2009 में सिर्फ 15 दिन पहले आए थे, सिट्टी गुल कर दिए थे, वो अभी तक हार को पचा नहीं पा रहे, वो अभी भी सदमे में है। और उनको ऐसा क्या लगता है तो फिर क्यों 2017 में राष्ट्रवाद में प्रवेश करके राष्ट्रवादी के सिंबल में अवार्ड साहब के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े? जब समझ में नहीं आया, जब तुमको समझ में नहीं आया अवार्ड साहब कुछ चीज़ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इलेक्शन वो नहीं लड़ सकते, उनके ही कार्यकाल में उनकी पार्टी से एक साल का प्रभाग समिति अध्यक्ष उनकी बीवी ने फटकार एक साल रहा, क्यों? उस टाइम आपको समझ भी नहीं आया कि अवार्ड साहब की ताकत नहीं है? या अभी क्या है, इनका फ्रस्ट्रेशन है, इनको ये कुछ कर नहीं पा रहे, ये निजी फायदे के लिए पार्टी को यूज़ कर रहे थे, वो अवार्ड साहब को दिख रहा था। वो अवार्ड साहब को डिसीजन तो आज ना का लेना था, उनने लिए, अवार्ड साहब ने लिए, ये किए, जो कुछ हुआ अल्लाह करता बेहतर करता है। अल्लाह के घर में देर अंधेर नहीं है, और सही वक्त में अल्लाह ताला जो डिसीजन लिया, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। देखो आज क्या हो रहा है कि जब ये दोगले और जो गद्दार लोग निकल जाने से क्या हो रहा है, मतलब जो न्यू जनरेशन ना खुल के सामने आ रही है। आप गद्दार की बात कर रहे हैं कि गद्दार होते हैं,
और ऐसी खबर भी आ रही है, जो जानकारी मिल रही है कि आपको भी नजीमुल्ला के तरफ से ऑफ़र मिला था, लेकिन आपने भी कुछ अभी जवाब नहीं दिया, अभी टाल मटोल में रखे हैं कि यहाँ से वहाँ जाना है आपको। नहीं, ये तो आपकी बात किसी ने झूठ आपको कहा होगा। मैं 2009 में जब मैं, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ऑफ़र मिला था या नहीं मिला। व्हाट्सएप से जब जुड़ा वो दिन है, आज का दिन आया था ऑफ़र कि नहीं आया? नहीं, मुझे कोई ऑफ़र नहीं आया। और मेरे कोई किसी हिम्मत भी नहीं कि बबली शबना को कोई ऑफ़र करे। उनको पता है कि ये आदमी अवार्ड साहब को छोड़ ही नहीं सकता। तो आपको आज भी एक बात बता दूँ, पूरा मुमरा चले जाएगा मगर मैं अकेला अवार्ड साहब के पीछे आके, एक आदमी जो बचेगा ना, वो उसका नाम बबली शबना, वो अवार्ड साहब के पीछे ही नज़र आएगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आप अकेले अवार्ड साहब के पीछे नज़र आएंगे, तो और वो लोग कहाँ हैं जो आवाज़ साहब के बल पर इतने आगे बढ़ गए? अरे आज क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? मैं उनके बारे में आपका क्या राय है? मैं आपको बता दूं, आने वाले इलेक्शंस में आपको क्या है कि लोगों को मसरूबियात है, क्योंकि लोगों को ना डराया जा रहा है, लोगों को फ़ोन करके धमकी दी जा रही है। लोगों को कौन दे रहा है धमकी? आज हमारे से अलग हुए हैं और अभी जो इनको सिंबल मिला है, और जो हम, तो आपको क्यों नहीं धमकी आ रही? अरे हमको धमके, हम डरने वाले में से लोग नहीं है ना, डरते मतलब, नहीं है। इसका मतलब जो आवाज साहब के मुमरा के कार्यकर्ता हैं वो डर गए हैं, डर के बैठ गए घर के, डरे समय लोग खुल के नहीं बता पा रहे। देखो शिंदे साहब भी उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं को, नगर सेवकों को धमका रहे, डरा रहे, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उद्धव साहब की पड़ रहा है ना, आए नहीं कोई, नहीं कोई कहाँ जा रहा है? सुरक्षा की मांग आप लोग कर रहे थे, मुमरा पुलिस स्टेशन में आया कोई? कितने नगर सेवक हैं आपके बताओ मुझे? नहीं, सब कैसा है, कितने नगर सेवक हैं आप इनके बताओ? नगर सेवक सब यही बड़े बड़े नाम जो हर काम में आगे रहते हैं, जो हमेशा दाएं और बाएं रहते थे, कहाँ है वो लोग? नहीं नहीं, सब नगर सेवक इधर ही है, कोई किधर नहीं गया। लेकिन आए क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से एक केस के वजह से खुद दिल्ली में थे, अभी कल ही आए हैं, उनसे उनका बात चल रही है। अभी हमारा बहुत सारे नगर सेवक, हमारे जो अध्यक्ष है, हमारे भाई साहब है, ये लोग सब मिलके कहीं सीपी से या होम मिनिस्टर से जाके मिलके मुमरा, सुनिए, पूरे मुमरा शहर में यही चर्चा है कि जिस अवार्ड साहब के साथ में ये लोग घूमते थे, हमेशा साथ रहते थे, और अब उनके ऊपर मुसीबत आई। फ़ोन पर भी उन्होंने बीच में जब धमकी वगैरह आया था दूसरे जगह से, उस वक्त भी कोई सामने नहीं आया। मुमरा में जरा सा कुछ माहौल होता है तो सड़कों पर जो है प्रदर्शन हो जाता है। अवार्ड साहब को धमकी आई तो एकदम खामोश सब लोग। देखो उनके फेवर में लोग गए ना, अरे सीपी से मिले, सीनियर पीए से, हमारे अंबेडकर समाज के कितने सारे लोग गए, अंबेडकर समाज आपके पार्टी के जो नगर सेवक है, फिर नगर सेवक कहाँ है? जो जो साथ में चलते थे वो तो एनजीओ वाले गए ना, एनजीओ के लोग गए, और दलित समाज के लोग गए, वो लोग गए ना, मौलाना लोग गए, वो लोग गए, आपके पार्टी के लोग कहाँ गए वो मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपको आपके बात करके आपके बता देता हूँ, आने वाले कुछ एक दो दिन में नगर सेवक के साथ में हमारा डेलीगेशन सीपी साहब को या होम मिनिस्टर को कुछ ही घंटों में या दिनों में मिलने वाला है, क्योंकि अवार्ड साहब भी 2-3 दिन से नगर सेवक, सब नगर सेवक, सुन में तो आ रहा है कि सब नगर सेवक परेशान है कि वो जाए तो जाए, कहाँ जाए, किसके पास जाए? ऐसा नहीं कहता है कि देखो जो कोई दिख नहीं रहा है इसका मतलब कोई डरा नहीं है। आप तो बोल रहे डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, डराया, इसलिए तो परेशान है, जाए तो कहाँ जाए, इधर जाए उधर जाए, नहीं बैठे वो घर में, घर में ही तो बैठे जब आ नहीं रहे हैं कहीं, काम धंधे में सब मसरूफ है। ऐसे कोई बात डरे धमके कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले कुछ ही दिनों में सब सामने डेलीगेशन लेके सीपी साहब को या होम मिनिस्टर को जाके मिलने वाले, और अवार्ड साहब की सुरक्षा, आप लोग तो गए मिलके आए ना सीपी साहब से? नहीं नहीं, अभी वो होम मिनिस्ट्री को मिलेंगे, कैसा है कि कार्यकर्ता लोग मिले, अभी नगर सेवक लोग मिलेंगे, बड़े बड़े पदाधिकारी जो है वो मिलने वाले, हम भी कहाँ मिले जाके सीपी साहब को, अभी मिलेंगे जाके इंशाल्लाह ताला, अगर अवार्ड साहब की जो सुरक्षा है उसको तुरंत डबल की जाए, इसकी हम मांग करने वाले हैं सीपी साहब को मिलके या होम मिनिस्ट्री से आके मिलके। ऐसी कोई बात नहीं, देखो बातें तो होती रहेगी, मुमरा में विकास विकास विकास, अरे विकास की बात करें, कब्रस्तान का जो आरक्षण है चेंज करने के लिए, वसीम सैयद का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखे होंगे ना, वसीम सैयद का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वसीम सैयद ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ के पूर्व नगर सेवक ने, जो दिग्गज नगर सेवक ने लेटर दिया है कि यहाँ का आरक्षण चेंज करके ये समाज को दिया जाए, ये इनके हाथों से हेराफेरी हो रही है। हमारा वाई जंक्शन का जो कब्रस्तान है, बोले 90 दिनों में लोगों को फिर से मिलेगा, कौन से 90 दिन है, 10 साल हो गए, लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। देखो लोगों को आज पावर में होने के बाद नहीं कर पा रहे,
हमने तो कुछ अवार्ड साहब ने हमने हमारे लाडले हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने अपने दम पे संजीव जसवाल साहब को मित्तल साहब को हाथ में लेके मुमरा को कब्रस्तान दिया, उसी के ऊपर आरोप में पड़े, उसी पे आरोप लगा रहे भाई तुम्हारे हाथ से क्या आ रहा है, तुम अपने जो पूर्व नगर सेवक जो उसका आरक्षण है चेंज करने के लेटर दे रहा है, 10 साल से कब्रस्तान रुका पड़ा है, जो खरीदी माल की जगह है हजरत मोइन मियां अशरफ के जो साहब उनके चाहने वाले उनके खुद के पैसे से लगा हुआ कब्रस्तान का पैसा, वो अभी तक कब्रस्तान दे नहीं पा रहे। बड़े नेता नाराज आके बोले हम 8 दिन में देंगे, 90 दिन में देंगे, 10 दिन में, क्या हुआ? झूठ ज़्यादा दिनों तो चलेगा नहीं, और आने वाले इलेक्शंस में लोग आपको साबित करके बता दे कि मुमरा में काम कोई कर सकता है, उसका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, और लोगों ने उनको प्यार किया है और उनके दिलों में जाके बसे, इसीलिए इंशाल्लाह आने वाले 2024 का इलेक्शन जो होगा उसमें अवार्ड साहब भारी मतों से जीतेंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, कब्रिस्तान की जो भर्री है उसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहा है, और भरनी कब होगी? देखो पहले क्या हुआ था कि उस पर कब्रिस्तान में जंगल बहुत हो गया था, उसको अभी साफ किया गया है, उसके बाद अभी कुछ 2-3 दिन में या 4-5 दिन में भरने का काम चालू हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिन के बाद आप खुद जाके आप देख लो, क्योंकि अभी ना क्या हो रहा है कि रस्ते का काम सब तरफ चालू हो गया है, तो उसका जो सॉइल जो मिट्टी है वो सब तरफ लग रही है एक साथ में, तो मिट्टी कहीं से मिल नहीं रही है, मिट्टी मिल रही है तो रॉयल्टी नहीं मिल रही है, तो उसे जब रॉयल्टी अवार्ड साहब ने कल या परसों किसी फ़ोन करके रॉयल्टी को उपलब्धि करा दिए, तो आने वाले 2-3 दिन में भरने का काम चालू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने सुना कि बबलू शेमना का साफ तौर पर कहना है कि भले ही घड़ी उनके हाथ से उतर गई हो लेकिन नया सिंबल उन्हें मिलेगा, और जितेंद्र अवार्ड का चेहरा ही उनकी पहचान है, और कलबा मुमरा में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव भी जीता जाएगा।